अब हम स्टार्ट करने लगे अपने चैप्टर का लास्ट पार्ट जो कि है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का। स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1 से। कंपेयर मैग्नीट्यूड्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस एग्जर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास, इसका हमारे पास 10 ग्राम है और इसके अलावा चार्ज जो है वो 20 माइक्रो कूलम बाय एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट दैट इज प्लेस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द फर्स्ट। कि हमारे पास वो जो दोनों ऑब्जेक्ट हैं वो आइडेंटिकल है, इनका मास भी सेम है और इनके ऊपर जो चार्ज है वो भी सेम है और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर का है। ठीक है, इसमें हमने मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल और ग्रेविटेशनल फोर्सेस को आपस में कंपेयर करना, यानी कि इनकी आपस में रेशियो लेनी है। सबसे पहले हम इसमें इलेक्ट्रिक फोर्स निकालेंगे और उसके बाद हम ग्रेविटेशनल फोर्स निकालेंगे। तो आए देखते हैं कि हमारे पास गिवन क्या है। सबसे पहले मैं देखूं तो गिवन है मेरे पास इसमें मास दैट इज 10 ग्राम्स। 10 ग्राम को अगर मैं केजी में कन्वर्ट करूँ तो ये मेरे पास 0.01 किलोग्राम के इक्वल होगा, 0.01 किलोग्राम। और इसके अलावा चार्ज जो है मेरे पास क्यू, ये मेरे पास M2 के बराबर है। ये वाला जो मास है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ कि ये मेरे पास M1 और M2 के बराबर है और इसको मैं सिंपली मास MB कह सकता हूँ। ठीक है जी, 0.01 किलोग्राम। और अगर मैं चार्ज की बात करूँ तो चार्जेस भी हमारे पास आइडेंटिकल है, यानी कि जो Q1 है वही Q2 के बराबर है। Q1 इज इक्वल टू Q2 और वो मेरे पास है 20 माइक्रोकूलम। 20 माइक्रोकूलम का मतलब यह है कि 20 × 10⁻⁶ कूलम। ठीक है जी, माइक्रो में हम 10⁻⁶ को यूज़ कर रहे होंगे। और आपको ये चीज़ पता है, जो हमारे पास कांस्टेंट के है इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ और इसके हमारे पास यूनिट होंगे न्यूटन मीटर स्केयर पर कूलम स्केयर। ठीक है जी, वो जो हमारे पास चार्जेज ऊपर मल्टीप्लाई होते हैं वो नीचे आके डिवाइड हो रहे होंगे। ठीक है, तो आए हम इसमें एफ की वैल्यू को, इसके अंदर एफ की वैल्यू में पुट इन करते हैं। कि एफ की वैल्यू में मैं सबसे पहले के की वैल्यू इंटर करूंगा 9 × 10⁻⁹ और मेरे पास Q1 और Q2 दोनों आइडेंटिकल यानी कि सेम है, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं 20 × 10⁻⁶ मल्टीप्लाई बाय 20 × 10⁻⁶। और मेरे पास नीचे जो इसमें R है, R हमारे पास में गिवन है 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर को जब हम मीटर में कन्वर्ट कर रहे होंगे तो वो हमारे पास इक्वल आएगा 0.1 मीटर के। ठीक है जी, तो अब इसकी वैल्यू हम नीचे लिख देते हैं 0.1 का स्क्वायर। तो हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। न्यूमरेटर में मैं सबसे पहले 9 × 10⁻⁹, इसके अलावा 20 × 10⁻⁶ मल्टीप्लाई बाय, हम इसको माइनस सिक्स करते हैं और मल्टीप्लाई बाय 20 × 10⁻⁶ और डिनोमिनेटर में मेरे पास 0.1 का स्क्वायर। तो ये मेरे पास इक्वल आता है 360 न्यूटन के, यानी कि मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फोर्स है FE वो इक्वल आ गई 360 न्यूटन के। तो अब इसके बाद हम लोग इसमें फाइंड करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो है F इज इक्वल टू gm1m2/r2। इसमें आपको g कांस्टेंट की वैल्यू पता होनी चाहिए। g हमारे पास इक्वल होता है 6.67 × 10⁻¹⁹ और इसका हमारे पास जो यूनिट्स हैं वो है न्यूटन मीटर स्केयर। इसमें हम लोग पर किलोग्राम स्केयर यूज़ करेंगे, जिस तरह हमने k में पर कूलम स्केयर यूज़ किया तो इसमें हम पर किलोग्राम स्केयर को यूज़ कर रहे होंगे। आए हम इसको भी सॉल्व करते हैं कि हमारे पास जो इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स है एफ जी की वैल्यू है वो इक्वल है जी एम वन एम टू डिवाइड बाई आर स्केयर। आई की वैल्यू इसको पुट इन करते हैं, जी है मेरे पास 6.67 × 10⁻¹⁹ और मैसेज मेरे पास में भी आइडेंटिकल है और मैस हम देख लेते हैं, हमारे पास मैस था 10 ग्राम जो कि इक्वल था 0.01 किलोग्राम के। तो मैं इसमें 0.01 को दो दफ़ा मल्टीप्लाई करता हूँ, 0.01 मल्टीप्लाई बाय 0.01 और डिनोमिनेटर में मेरे पास आर है जिसकी वैल्यू है हमारे पास 0.1। ठीक है जी, 0.1 का स्केयर। तो आए इनको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इसकी वैल्यू को भी फाइंड आउट करते हैं। न्यूमरेटर में मेरे पास सबसे पहले आ जाएगा 6.67 × 10⁻¹⁹ और बार बार हम इसको दो दफ़ा मल्टीप्लाई करें, 0.01 मल्टीप्लाई बाय 0.01 और डिनोमिनेटर में मेरे पास आ जाएगा 0.1 का होल स्क्वायर और मेरे पास इसका आंसर आएगा 6.67 × 10⁻³⁹ न्यूटन। ठीक है, 6.67 × 10⁻³⁹ न्यूटन। तो आप देख सकते हैं कि हमने इसमें एफ जी यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स थी और इलेक्ट्रिकल फोर्स दोनों हमने फाइंड आउट कर ली हैं। जो मेरे पास इलेक्ट्रिकल फोर्स है वो 360 के इक्वल आई है जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स मेरे पास 6.67 × 10⁻³⁹ न्यूटन के इक्वल आई है। तो अगर इनके कंपैरिजन की बात की जाए तो इसका मतलब ये होता है कि ये इनकी रेशियोज पूछ रहा है। तो हाँ, इसकी रेशियो को भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि यानी कि जो एफ ई ओवर एफ जी है इसकी वैल्यू क्या आएगी। मेरे पास 360 को जस्ट मैंने डिवाइड करना है 6.67 × 10⁻³⁹ से। ठीक है, तो 360 डिवाइड बाय आंसर तो मेरे पास आता है 5.39 × 10⁻¹⁴। ठीक है जी, 5.39 × 10⁻¹⁴
और इसके यूनिट कोई नहीं होंगे क्योंकि हमारे पास दोनों फोर्सेज हैं, तो इनके जो यूनिट्स हैं वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास हमने इसमें आपने देखा इस क्वेश्चन में हमने क्या किया स्टेप वाइज, चलिए हम लोग सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिकल फोर्स को फाइंड आउट किया आइडेंटिकल चार्जेस को लेते हुए, और फिर हमने वही आइडेंटिकल मैसेज को यूज़ करते हुए हमने ग्रेविटेशनल फोर्स को फाइंड आउट किया, और फिर हमने उन दोनों की रेशियोज़ को फाइंड आउट किया।